हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो शियर फोर्स बेंडिंग ऑन डायग्राम एंड रेट ऑफ लोडिंग दैट इज आल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लोड, इसके बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप्स ड्रॉ कर लिए थे। ठीक है, सारे रिलेशनशिप्स जितने फंडामेंटल्स हैं मैंने वहाँ पर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वहाँ पर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वीडियो को देखिए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट लोड्स इन डिफरेंट बीम्स के लिए किस तरह से हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग ऑन डायग्राम बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो से जो हमारा कोर टॉपिक है दैट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग ऑन डायग्राम वो स्टार्ट होता है। तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना है और बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एंड डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी। ये था आपका रिलेशनशिप इंटेंसिटी ऑफ लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करना है डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह बनाया जाता है, देखिए आपको समझना है पहले बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए, फिर मैं इस जो टॉपिक को डील करते हुए बताऊंगा कि इन गेट एग्जामिनेशन इन डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इसरो एक्सेट्रा में आपको किस तरह से इन चीज़ों को कैरी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है एज अ स्टूडेंट कि आप लोगों का प्रॉपर जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो क्या होता है। देखिए, आपको कभी भी क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, एनी क्वेश्चन आपको कोई गिवन होगा क्वेश्चन यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा स्टेप नंबर वन। जो पहला स्टेप होगा आपका स्टेप नंबर वन, दैट विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं, जितने भी सपोर्ट्स आपके होंगे बीम में सारे सपोर्ट्स को आपको रिमूव करना है और उस सपोर्ट्स के रिस्पेक्ट में जो भी रिएक्शन आता है उस रिएक्शन को आप लोगों को वहाँ पर शो करना है, यानी कि सारे सपोर्ट्स हटा करके जो रिएक्शंस हैं उसको आपको शो करना और एक डायग्राम बनाना है। तो जो डायग्राम होगा उसको हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, ये होगा आपका स्टेप नंबर वन। ठीक है, अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना होगा, स्टेप नंबर टू में आपको जो रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो स्टेप नंबर टू आपका होगा रिएक्शंस का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये कैलकुलेट करना होगा आपको नेक्स्ट स्टेप में। देन अब रिएक्शंस जब एक बार आ जाते हैं तो शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग डायग्राम बनाने से पहले आपको क्या करना है, शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है, विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं मेरे जिससे मैंने बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स एट अ सेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है, जहां मैंने ये बताया है आपको कि शेयर फोर्स कभी भी किसी बीम के लिए अप टू अ सेक्शन निकाला जाता है, सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट भी अप टू अ सेक्शन निकाला जाता है, और कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। तो प्रीवियस वीडियोस यहां पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम से। ओके, शियर फोर्स डायग्राम SFD बोलते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। ओके, शियर फोर्स डायग्राम इससे आपको स्टार्ट करना होता है। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इसमें आप लोगों को करना होता है शियर फोर्स SF, शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशंस आपको करनी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट लोड के करस्पॉन्डिंग आपको शेयर फोर्स कैलकुलेशन करनी होती है। इसका पूरा एक जितना भी आपको लोड दिया है, जितने भी पॉइंट्स आपको गिवन है लोड आपके बीम पे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पूरा कैलकुलेशन आपको करना होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बेंडिंग वन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है बेंडिंग वन डायग्राम का। तो BMD ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, बेंडिंग वन डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस,
अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस जो है वो बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन के ही कॉन्सेप्ट से बनेगा, जैसे कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन शेयर फोर्स एट अ सेक्शन के कॉन्सेप्ट से होने वाला है। तो ये स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, ये हो गया आपका स्टेप नंबर थ्री, एंड ये हो गया आपका स्टेप नंबर फोर। तो टोटल चार स्टेप्स आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में कुछ आपके ट्विस्ट होंगे क्वेश्चन में, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, तो हम जानते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर होता है जहाँ पर जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो अपना साइन चेंज करता है, या फिर कह सकते हैं कि शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी जीरो होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन पूछता है केस वन, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, केस वन। केस वन क्या, आपको कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ओके, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हम जानते हैं कि अगर आपने यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है दैट इज dm by dx दैट इज इक्वल टू v। तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हाईएस्ट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज m वर्सेस x डायग्राम, ठीक है, उस पॉइंट पे उस कर्व का, इस डायग्राम का स्लोप दैट इज dm by dx कितना होगा, जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और ये इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि v यानी कि शेयर फोर्स क्या है, जीरो है। तो शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे जीरो होगा उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। अब ये कैसे पता चलेगा कि उस पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो है, शेयर फोर्स डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया जाता है शेयर फोर्स दैट इज वी वर्सेस एक्स कर्व में, इसमें ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है आपका पॉजिटिव शेयर फोर्सेस, ये हो गया निगेटिव शेयर फोर्सेस। अगर शेयर फोर्स डायग्राम अपना नेचर कहीं चेंज करे, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ट्रांजिशन हुआ है, इस पॉइंट पे ट्रांजिशन हुआ है इसका पॉजिटिव से निगेटिव, या हो सकता है कि ये आपका निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो लाइक दिस, तो अभी भी ट्रांजिशन हुआ निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं या निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में जीरो आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में यहाँ जीरो आया, तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, शेयर फोर्स यहाँ पर जीरो है। तो जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो होता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जीरो होता है, और जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है वो उस डायग्राम का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे अगर dm by dx इक्वल टू जीरो है, यानी कि v इक्वल टू जीरो है, तो इस पॉइंट पे बीम में क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट। आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स कहाँ पर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो शेयर फोर्स जहाँ पर जीरो हो रहा होगा वो लोकेशन हम निकालेंगे, लेट अस से एक्स वो लोकेशन है, एट एक्स शेयर फोर्स वी इक्वल टू वॉट जीरो। अगर एक्स लोकेशन पे शेयर फोर्स वी जीरो हो रहा है तो उसी एक्स लोकेशन पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। देन केस आता है कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का, केस टू दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना नेचर चेंज करता है, यानी कि बेसिकली जो फ्लेक्चर है, बेंडिंग स्ट्रेस है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई उसको कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज एम वर्सेस एक्स डायग्राम, सो दिस इज प्लस एम, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स, ये हो गया नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना नेचर कहीं चेंज कर लिया लाइक दिस, कहीं हो गया ये पॉजिटिव से निगेटिव, या कहें निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, एम इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उस पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट का नेचर चेंज होता है, पॉजिटिव का मतलब हो गया सैगिंग, निगेटिव का मतलब हो गया हॉगिंग। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है, लेट अस से वाई, दिस इज वाई, लेट अस से वाई। तो वाई वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट सैगिंग से हॉगिंग में कन्वर्ट हो गया, या इसका रिवर्स केस भी हो सकता है, हॉगिंग से सैगिंग भी जा सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का नेचर चेंज होता है वो होता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। आपको क्या करना है, आपको एम का इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा बीम में, और उसके बाद उसको इक्वल टू जीरो करना होगा। लेट अस से एम इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स स्क्वायर फंक्शन है व्हाटसो एवर, ठीक है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, एम का इक्वेशन निकाल लिया, एम के इक्वेशन को मैं इक्वेट क्या कर दिया, एक्स जीरो से इक्वेट कर दिया, जिस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो मुझे एक्स मिल जाएगा। एक्स क्या है, दैट इज, सॉरी, वाई क्या है, वाई क्या है, यहाँ पर
वाई है आपका लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्शन, ठीक है। तो वाई पे वाई की जो वैल्यू जो है मुझे वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वाई क्या है आपका, वाई दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये यहाँ पर कैलकुलेट हो गई, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ सकती है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन में। आपको स्टेप्स याद रखने हैं, पहला स्टेप होगा एफवीडी, दूसरा होगा आपका रिएक्शन का कैलकुलेशंस, तीसरा होगा एसएफडी बनाना, और उसके लिए क्या करेंगे हम एसएफडी एसएफ कैलकुलेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपका बीएमडी ड्रॉ करना, उसके लिए क्या करेंगे बीएम कैलकुलेशंस करेंगे। ये दो चीज़ें बस एक्स्ट्रा पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम लोग डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर यहाँ पर पॉइंट लोड लगा हो किसी बीम में तो वहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का नेचर क्या होता है, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ चीज़ें जिसका आपको केयर करना होगा वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैंटिलीवर बीम ले लेता हूँ, ठीक है। इस कैंटिलीवर बीम की जो लेंथ है दैट इज एल, ठीक है। ये इसका फिक्स फ्री एंड है और ये इसका फिक्स एंड है। यहाँ पर एक लोड लग रहा है पी, ओके। दिस इज योर फर्स्ट फिगर, फिगर नंबर वन। सेकेंड फिगर लेते हैं, एक सेकेंड फिगर में फिगर टू में मैं आपके पास अगेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पर ये वाला एंड जो है इसका ये एक हिंज सपोर्ट बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं दिस इज हिंज सपोर्ट, दिस इज अ रोलर सपोर्ट। यहाँ पर मैं किसी भी इसेंट्रिक लोकेशन में यहाँ पर आपको एक लोड दे देता हूँ, ठीक है। ये है आपका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है दैट इज ए, एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज बी, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है डिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी टोटल बीम की स्पैन है यहाँ पर, ठीक है। अब शेयर फोर्स हम लोगों को शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, उससे समझ आ जाएगा कि पॉइंट लोड जब हम लोग पॉइंट किसी भी बीम में पॉइंट लोड दिखेगा तो क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में आने चाहिए, हम लोग को वहाँ पर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैंटिलीवर के एग्जाम्पल से, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहला स्टेप मैं अपना कंप्लीट करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। कैंटिलीवर में इस एंड पे पी लोड लग रहा है, ठीक है। ये है इसकी स्पैन लेंथ एल। अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन, तो जो लोड है पी वो इस कैंटिलीवर बीम को जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं ये अगर जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, ओके। नाउ दिस इज लोड पी, तो ये जो लोड पी है ये जेड एक्सिस, इस वाले एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट इस बीम को रोटेट करने की टेंडेंसी करेगा, ठीक है। तो इसी जेड एक्सिस के अबाउट ये जो सपोर्ट है कैसा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट होता है, तो ये क्या करेगा एक रिएक्शन मोमेंट जनरेट करेगा एम आर, ओके। एम आर क्या है, रिएक्शन मोमेंट जो कि इस बीम में प्रोड्यूस हो रहे रोटेशन को काउंटर करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो लोड है ये क्या करने की कोशिश करेगा, इस बीम को वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट करने की, ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा, ये डाउनवर्ड लग रहा है तो नीचे भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा सपोर्ट ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। ये होगा रिएक्शन, सो दिस इज आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर कंप्लीट होता है इसका, दिस इज आर ए। एम आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पी इंटू एल, पॉइंट ए के अबाउट दिस इज ए दिस इज बी, ए के अबाउट कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पी दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज एल। तो एम आर हो गया आपका, एम आर हो गया पी इंटू एल, इतना रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है। कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो रोटेशन है ये है आपका क्लॉकवाइज, एंड रिएक्शन एम आर कितना कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, आपका एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है, दैट्स वाई एम आर इक्वल टू पी इंटू एल हो जाएगा, क्लियर है। देन यहाँ रिएक्शन वाई डायरेक्शन में लोड आ रहा है, ठीक है। समेशन ऑफ एफ वाई करके भी आप ला सकते हो आप, अब यहाँ पर तो सिंगल एक रिएक्शन है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो आर इक्वल टू क्या होगा पी हो जाएगा। चाहे तो आप इसे समेशन ऑफ एम करके भी ला सकते थे ये वाली वैल्यू, और इसे आप समेशन ऑफ एफ वाई करके भी ला सकते थे, ठीक है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, रिएक्शंस भी मैंने यहाँ पर आपके बता दिए, स्टेप नंबर टू भी यहाँ पर हो गया आपके रिएक्शंस के साथ। अब मुझे करनी है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैसे नहीं करूँगा मैं, मेरे पास अभी तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो मैं एक यहाँ पर सेक्शन ले लेता हूँ, कोई भी रैंडमली एक सेक्शन ले लेता हूँ फ्री एंड से। ये एक्स एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स सेक्शन ले लेता हूँ मैं, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है,
एक्स डिस्टेंस पे मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ। तो अब ये इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लेता हूँ। ओके, यहां पर लग रहा है लोड पी। नाउ यहां पर रिएक्शन आएगा, ओके, एंड दिस इज द शियर फोर्स। ठीक है, ये जो लोड है ये क्या करेगा, ये इस पोर्शन को नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या करेगा भाई, ये वाला पोर्शन क्या करेगा, इस पोर्शन के लिए एक रिएक्शन क्रिएट करेगा ताकि ये ब्रेक ना हो, है ना। शियर फोर्स क्या करना चाह रहा है, इसको यहां से नीचे की तरफ स्लाइड करके लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स क्रिएट करेगा ताकि वो इस फोर्स के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये है वो फोर्स, और ये फोर्स कहाँ लगेगा, जहां पर मैंने सेक्शन काटा है ना उस सेक्शन के टेंजेंशियली लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो शेयर फोर्स इज नथिंग बट अ टेंजेंशियल फोर्स। तो ये हो गया वी, शेयर फोर्स। ठीक है, अब आप इस सेक्शन को एक्स इक्वल टू जीरो से यानी कि फ्री एंड से एक्स इक्वल टू एल तक मूव कराइए, यानी कि यहां तक मूव कराइए। ठीक है, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स इक्वल टू एल, यहां से लेके यहां तक आप मूव कराइए, कहीं भी मूव कराइए, आप देखेंगे हर सेक्शन पे क्या है, सेम शेयर फोर्स आ रहा है, हर सेक्शन पे सेम शेयर फोर्स आ रहा है। तो कैसे होगा ऐसा कैलकुलेशन, देखिए अब अगर ये सेक्शन को मैं एक्स इक्वल टू जीरो से थोड़ा पहले लगा दूं, यानी कि जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा हुआ है उस पॉइंट के पहले रख दूं, यहां पर रख दूं, यानी कि आप बेसिकली कह सकते हैं माइनस साइड में रख दूं, तो क्या होगा भाई, जस्ट बिफोर दिस पॉइंट बी देयर वाज नो शेयर फोर्स, है ना। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आया, पॉइंट बी पे आया, एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू जीरो पे आया, मुझे कितना फोर्स मिल गया, शेयर फोर्स मिल गया पी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, एज देर इज नो अदर फोर्स, नो अदर लोड, देयर फॉर हर जगह मुझे शेयर फोर्स कितना मिल रहा है, वी मिल रहा है। अब ये वी की वैल्यू कितनी, देखो भाई यहाँ पर मैं लगाऊंगा इस सेगमेंट के लिए समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो इस हिसाब से मिलेगा वी माइनस पी इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू पी मुझे मिल रहा है, हर जगह ये मिल रहा है। तो हर जगह मुझे शेयर फोर्स कितना मिल रहा है, अप्लाइड लोड पी के बराबर मिल रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे हर जगह x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक के पूरा शेयर फोर्स सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, SFD ड्रॉ कर देता हूँ। कैलकुलेशन हो गया मेरा, थर्ड स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। तो x इक्वल टू जीरो पे आप देखिए ये कौन सा साइड था, ये है राइट साइड, ये कौन सा साइड है, ये है आपका लेफ्ट साइड। राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है। तो क्या लिखूंगा मैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने वाला हूँ, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन मैंने किया जब मेरा सेक्शन बी के जस्ट पहले था, जस्ट बिफोर बी SF कितना था, जीरो, SF कितना था, जीरो। एट बी कितना हो गया शेयर फोर्स, एग्जैक्टली पी हो गया, तो हो गया पी। ठीक है, अब उसके बाद ए पे मैं आया तो ए के जस्ट पहले तक के कितना शेयर फोर्स है, ए के जस्ट पहले तक के एक ही लोड है, दैट इज पी। तो जस्ट बिफोर ए दैट इज शेयर फोर्स अभी भी कितना है, पी है। एंड एट ए, जस्ट बिफोर ए हो गया, अब एट ए शेयर फोर्स एट ए दैट विल बी इक्वल टू पी माइनस पी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। तो जस्ट बिफोर पी, बी जीरो था ये, एट बी पी हो गया, फिर जस्ट बिफोर ए पी ही था, एंड एट ए कितना हो गया, अगेन वापस ये जीरो हो गया। ये है आपका शेयर फोर्स डायग्राम, दिस इज शेयर फोर्स, जैसे शेयर फोर्स एस एफ वी, एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन। तो इस डिस्कशन से हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि जब मेरा जो पॉइंट लोड है वो किसी पॉइंट पे लग रहा है, तो मैं किस तरह से प्रोसीजर किया, आपने देखा होगा, आपने देखा कि जब मैं पॉइंट लोड किसी जगह देखता हूँ, तो एक बार मैं उस देखता हूँ कि उसके पहले कितना लोड है, फिर देखता हूँ उस पर कितना लोड है जिस पॉइंट पे वो लग रहा है। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान रखना है कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन में जब आपको कहीं पर भी पॉइंट लोड दिखेगा तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, जस्ट बिफोर पॉइंट लोड एंड देन एट पॉइंट लोड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने जो सीखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सीखा वो ये है कि फॉर अ पॉइंट लोड इन अ बीम, फॉर अ पॉइंट लोड इन अ बीम, ठीक,
while drawing shear force diagram, calculate shear force twice, that is just before point load, just before point load and at point load. तो जब भी आपको पॉइंट लोड दिखाई देगा किसी जगह बीम पे, तो आपको डायरेक्टली उस जगह का क्वेश्चन नहीं करना है भाई, आपको क्या करना है, एक बार उसके जस्ट पहले कितना शेयर फोर्स था वो देखना है, उसके बाद उस जगह पे जहां पर वो एक्ट कर रहा है वहां पर कितना शेयर फोर्स आ रहा है ये आपको देखना है। तो जस्ट बिफोर द पॉइंट लोड एंड एट पॉइंट लोड, ये दो चीज आपको वहां पर परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब आप देखो कि ए से बी से लेकर के ए तक, एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू एल तक बीच में कोई भी शेयर फोर्स नहीं है, ठीक है। बीच में कोई भी शेयर फोर्स नहीं, यानी कि कोई भी लोड नहीं है, बेसिकली कोई भी लोड बीम में एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स एक्ट करता है उस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू सडनली चेंज हो जाती है। शेयर फोर्स यानी कि पॉइंट लोड, है ना, पॉइंट लोड यहां पर अभी बोल रहा हूं मैं, पॉइंट लोड जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है उस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू, शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू सडनली चेंज होती है, आइदर वो इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज जाएगी, आइदर इन पॉजिटिव साइड और इन नेगेटिव साइड, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देखिए पॉइंट बी के पहले कोई लोड नहीं था, तो बी पे जस्ट बिफोर बी शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है, जैसे ही मैं एट बी पे आया, बी पे क्या एक्ट कर रहा था, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था, तो एट बी क्या हो गया, एट बी आपका शेयर फोर्स डायग्राम सडन इंक्रीज हो गया, इसी एक पॉइंट पे सडन इंक्रीज हो, किस वैल्यू तक इंक्रीज हुआ, पी तक इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद जहां जहां जिन पॉइंट के बीच कोई लोड नहीं होता उन पॉइंट के बीच में शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू कैसी होती, कांस्टेंट होती है। सो बिटवीन बी टू ए एज देयर इज नो लोड, बिटवीन बी टू ए देयर इज नो लोड, देयरफॉर द शेयर फोर्स बिटवीन बी एंड ए विल बी सेम, ओके। यहां से लेके यहां तक एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल तक के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स होगा वो होगा सेम, शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जहां पर आप लोग शेयर फोर्स अप्लाई करते हो उस जगह पर, यानी कि जहां पर आप लोग पॉइंट लोड अप्लाई करते हो उस पॉइंट पर, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू सडन चेंज होती है, बट उसके बाद वाले पॉइंट्स पे अगर कोई लोड ना हो, ठीक है, जिन दो पॉइंट्स के बीच कोई भी लोड ना हो उन दो पॉइंट के बीच में शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ लोड, चाहे वहां पर बीच में, चाहे आधी भी में यूडीएल लगा हो, ठीक है, चाहे ना लगा हो, जिस जगह पर लोड होगा, चाहे पॉइंट लोड, चाहे वहां पर क्या हो, वहां पर यूडीएल हो, वहां पर शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर बात करता हूं इस जगह की, ठीक है, इसकी बात करते हैं, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद जब ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा तब मैं यहाँ पर आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को वर्ड्स में लिख दूंगा ताकि आप उसको अपने दिमाग में, अपने नोट्स में बैठा सको, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो ये हो गई बीम, ये हिंज सपोर्ट है, दो रिएक्शन आएंगे, ये हो जाएगा आर ए वाई, दिस विल बी आर ए एक्स, ओके, एंड दिस विल बी आर बी, ओके। यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा क्योंकि ये कैसा सपोर्ट है, ये है रोलर सपोर्ट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके अगेंस्ट ये देगा रिएक्शन, ठीक है। नाउ ये हो गया पॉइंट सी, यहाँ पर लोड लगा है पी, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। अब रिएक्शंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब हम लोग निकाल लेते हैं रिएक्शंस, तो रिएक्शंस निकालते हैं, तो रिएक्शंस निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो अगर लिखूंगा तो हो जाएगा आर ए वाई प्लस आर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड समेशन ऑफ आर सॉरी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा तो क्या मिल जाएगा, आर ए एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों भाई, क्योंकि वर्टिकल लोड लगा हुआ है बीम में और एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, लोड का कंपोनेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आर ए एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, आर ए एक्स वहां पर जीरो हो गया। अब आर ए एक्स जीरो हो गया है
तो जो आर ए होगा यानी कि रिएक्शन एट पॉइंट ए, आर ए क्या होता है, आर ए होता है रूट ओवर आर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर ए वाई स्क्वायर, यानी कि आर ए एक्स और आर ए वाई का रिजल्टेंट जो होता है दैट इज द रिएक्शन एट दी हिंज पॉइंट पॉइंट ए। ओके, नाउ आर ए एक्स तो जीरो हो गया भाई, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए वाई। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो आर ए लिखिए चाहे आर ए वाई लिखिए। तो मैं अभी आर ए लिखूंगा, तो इस इक्वेशन को अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, सॉरी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू द पॉइंट लोड दैट इज पी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, ये हो गया समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर वन, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मोमेंट का इक्वेशन, तो ये जाएगा समेशन ऑफ एम अबाउट ए, अभी मैं ए के अबाउट ए ले रहा हूँ मोमेंट यहाँ पर, तो समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो हो गया, तो ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो जाएगा आर बी इंटू एल इज इक्वल टू पी इंटू ए बाई, सॉरी पी इंटू ए, आर बी इंटू एल, ये कैसा है आर बी इंटू एल कैसा है, ये टोटल एल लेंथ है, तो ये है आपका एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, इसको चाहे तो आप थोड़ा और बेसिक में जाके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस आर बी इंटू एल, माइनस इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज है, फिर जो पी का मोमेंट है ए के अबाउट ये है आपका क्लॉक वाइज, तो प्लस पी इंटू डिस्टेंस दैट इज ए इक्वल टू जीरो, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आर बी इक्वल टू पी ए बाई एल। सिमिलरली आप इक्वेशन, ये इसको अलग इक्वेशन नंबर टू ले लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर वन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन आपको क्या मिल जाएगा, आर बी आर ए मिल जाएगा दैट इज पी इंटू बी बाई एल, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग को सेम दोनों के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो रिएक्शंस यहाँ पर आ गई, ठीक है, रिएक्शंस आपके आ गए, तो आप लिख सकते हैं आप वैल्यूज को फ्री बॉडी डायग्राम में, ये हो जाएगा आर इन आर आर बी का सॉरी आर ए इक्वल टू पी इंटू बी बाई एल एंड आर बी इक्वल टू पी इंटू ए बाई एल, दिस इज पी दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज एल। ओके, ये हो गया यहाँ पर। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाना चालू करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना चालू करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कैसे बनता है, बट पहले हम लोग को शेयर फोर्स डायग्राम बनाना यहाँ पर सीखना है। तो अगेन आप देखिए, जो मैंने रिएक्शन ड्रॉ करे हैं, ये जो रिएक्शन है आर ए आर बी एंड पी, ध्यान से देखिए डायग्राम को, ये तीनों क्या है, ये तीनों पॉइंट लोड है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर पॉइंट लोड है बीम में तो क्या होगा, एक बार जस्ट बिफोर पॉइंट लोड एंड एक बार एट पॉइंट लोड आपको कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आपके पास चॉइस होती है सिंपली सपोर्टेड बीम में कि आप क्या करो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में से किसी भी एक को चूज कर लो। कैंटिलीवर बीम में भी ऐसा किया जा सकता है, बट स्टार्ट हमेशा फ्री हैंड से करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए। ठीक है, हमेशा याद रखना कैंटिलीवर बीम के लिए जो कैलकुलेशन होती है एस एफ डी बी एम डी की, वो फ्री हैंड से स्टार्ट करना ही आप लोग के लिए सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी बन जाएगा लेकिन उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। ठीक, तो एस एफ डी, एस एफ डी बनाते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट वाले कॉन्सेप्ट से, लेफ्ट टू राइट वाले कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ठीक है, तो शेयर फोर्स यहाँ पर निकालेंगे हम लोग इस पे, पॉइंट ए पे बी पे सी पे। तो सबसे पहले ए आएगा आपका, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ए पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो शेयर फोर्स निकालो बिफोर ए, क्यों, क्योंकि पॉइंट ए पे पॉइंट लोड लग रहा है इस पर, इसलिए यहाँ पर मैं बिफोर एक बार निकालूंगा ही निकालूंगा। तो शेयर फोर्स बिफोर ए क्या है, जीरो है, क्योंकि ए के पहले कोई और लोड है क्या भाई, बिल्कुल भी नहीं। नाउ शेयर फोर्स एट ए निकाला जाएगा, जैसा स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शेयर फोर्स एट ए निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर ये हो जाएगा पी इंटू बी बाई एल। ठीक है, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। ओके, नाउ शेयर फोर्स नेक्स्ट पॉइंट पे निकालना है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे कौन क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी, तो सी पे भी क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड कितना है, पी लग रहा है। तो शेयर फोर्स एग्जैक्ट डायरेक्टली हम लोग सी पे निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे, फिर से इस स्टेटमेंट को दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेयर फोर्स बिफोर सी, सी के पहले, क्योंकि सी पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो ये हो जाएगा अगेन कितना है, सी के पहले और कोई लोड है क्या, नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब दो पॉइंट्स के बीच में कोई और लोड एक्ट ना कर रहा हो, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, उन दो पॉइंट के बीच में शेयर फोर्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। अगर यहीं पर कोई यूडीएल दे दिया होता
तो डेफिनेटली ए से सी के बीच में शेयर फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती, ठीक है। तो जिन दो पॉइंट्स, जहां जिन दो पॉइंट्स के बीच पॉइंट लोड लगा हुआ हो और कोई लोड ना लगा हो, वहां पर शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये अभी वैलिडेट हो जाएगा। इसको वैलिडेट करने के लिए मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके, सो बिफोर सी कितना आ गया, अगेन सी के पहले कितना लोड है भाई, पी बी बाई एल ही बस एकलौता लोड है, और ये भी कैसा लग रहा है, अपवर्ड, तो ये भी अगेन प्लस पी बी बाई एल। ओके, देन शेयर फोर्स एट सी निकालेंगे, तो शेयर फोर्स एट सी ये हो जाएगा पी बी बाई एल, ये पॉजिटिव है, माइनस पी, तो ये हो जाएगा माइनस पी ए बाई एल, माइनस पी ए बाई एल ये आ जाएगा। नाउ शेयर फोर्स नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बी है, और पॉइंट बी पे अगेन आप लोग का एक रिएक्शन है, आरबी है, और आरबी भी क्या है, एक पॉइंट लोड है, तो इसमें भी जस्ट बिफोर बी मुझे निकालना पड़ेगा। तो शेयर फोर्स जस्ट बिफोर बी या बिफोर बी, है ना, जस्ट बिफोर बी, जैसा आपको लिखने में ठीक लगे, आप जस्ट बिफोर बी भी लिख सकते हो और बिफोर बी भी लिख सकते हो। जस्ट बिफोर बी ये होगा माइनस पी ए बाई एल, क्यों भाई, क्योंकि आप फिर से ध्यान दीजिए, सी से और सी ओ से बी के बीच में और कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आया है, कोई भी UDL, UVL नहीं आया है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा लोड ऐड नहीं हुआ है, तो जितना लोड अप टू सेक्शन सी था उतना ही लोड अभी भी अप टू सेक्शन बी है, जस्ट बिफोर बी भी अभी भी उतना ही लोड है। जब तक आप लोग सी से बी के बीच कोई UDL या UVL एक्ट नहीं कराओगे, तब तक के सी से बी के बीच शेयर फोर्स डायग्राम चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि देर इज नो लोड, जीरो लोड है यहाँ पर बीच में, और कोई एक्स्ट्रा लोड ऐड नहीं किया आपने, एडिशनल जो लोड है उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ शेयर फोर्स एट बी निकालेंगे, क्योंकि बी पे पॉइंट लोड है, तो जस्ट बिफोर हो गया, आप एट बी निकालेंगे, तो एट बी जाएगा माइनस पी ए बाई एल, और ये कितना है भाई, ये है आपका पी ए बाई एल, और ये कैसा है, अपवर्ड है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव, सो प्लस पी ए बाई एल हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया जीरो, ठीक है। अब इसका ऐसे आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं अब, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स प्लस वी, ये हो गया निगेटिव शेयर फोर्स, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, सो जस्ट बिफोर पॉइंट ए कितना मिला, जीरो मिला, एट पॉइंट ए कितना मिल गया मुझे, एट पॉइंट ए मुझे मिल गया प्लस पी बी बाई एल, प्लस पी बी बाई एल, तो अभी यहां पी बी बाई एल ही लिखेंगे बस, प्लस तो ऑलरेडी यहां पर है। नाउ जस्ट बिफोर सी पी बी बाई एल ही था, चेंज नहीं हुआ कुछ भी, तो ये हो जाएगा पी बी बाई एल, ठीक है, ये हो गया पी बी बाई एल, पी बी बाई एल ही है, कांस्टेंट है, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है कि शेयर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किस पॉइंट तक, ये पॉइंट है आपका सी, जस्ट बिफोर सी तक के। अब एग्जैक्टली एट सी पे आया तो क्या हुआ, जब आप एट सी आए तो सडनली चेंज हुआ, देखिए अगेन जो स्टेटमेंट है वो वैलिडेट होती हुई दिख रही है, एट सी क्या हो रहा है, माइनस पी ए बाई एल, यानी कि जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम, सॉरी जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा होता है शेयर फोर्स डायग्राम में, वहां पर सडन चेंज हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो क्योंकि पॉइंट सी पे सडन आपके पॉइंट लोड एक्ट कर रहे थे, दैट्स वाई पॉइंट सी पे सडन यहां पर चेंज देखने को मिलता है शेयर फोर्स डायग्राम का, तो सडन चेंज हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी है, अब ये वैल्यू है पी माइनस पी ए बाई एल, तो माइनस लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी निगेटिव साइड में आ चुके हैं, ठीक है। देन जस्ट बिफोर सी तक के अगेन माइनस पी ए बाई एल ही है, तो माइनस पी बाई एल कंटिन्यू रहेगा बी के जस्ट पहले तक के, तो ये आ गया मैं जस्ट बिफोर बी तक के, देन एड बी कितना हो गया, जीरो हो गया वापस, तो ये हो गया जीरो, सो दिस इज जीरो, ओके, सो दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ पर शेयर फोर्स क्या है, दिस इज शेयर फोर्स वी इक्वल टू जीरो, तो इस तरीके से आपका शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हुआ, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने कैंटिलीवर के लिए भी बना करके देख लिया, तो क्या होता है ध्यान दीजिए, अब यहां से जो कंक्लूजन आपका निकल रहा है, ठीक है, उसको आप ध्यान दीजिए। आप इस कंक्लूजन को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूं, वो तरीका है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमने डायग्राम बनाया था, जो मैंने सेक्शन लिया था जीरो से एक्स प्री एंड से लेके एक्स डिस्टेंस पर, ये वाला सेक्शन जो मैंने ड्रॉ किया था, इस अप्रोच को लेते हुए भी आप लोग कंक्लूजन अपना ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों को मैं आपको साथ में बताता हूं, ठीक है। आपने यहां पर जो ऑब्जर्व किया पहले उसके बेसिस पे देखते हैं, देन उसको उस कॉन्सेप्ट से भी वैलिडेट करके देख लेंगे। यहां पर मैंने ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया, कि जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स डायग्राम में या जिस पॉइंट पर बीम में पॉइंट टोड लग रहा होता है शेयर फोर्स डायग्राम में, वहां पर सडन चेंजेस आते हैं, ठीक है। इफ देयर इज अ पॉइंट लोड at a location
देन देयर विल बी, देयर विल बी सडन चेंज ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट दैट लोकेशन. ओके, इफ देयर इज अ पॉइंट लोड एट अ लोकेशन देन देयर विल बी सडन चेंज ऑफ शियर फोर्स इन SFD एट दैट लोकेशन. ये हमको समझ आया. देन हमको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, दैट इफ देयर इज नो लोड between two points और कैसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट जिस पॉइंट्स पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है. सो इफ देयर इज नो लोड बिटवीन टू पॉइंट्स कैरिंग पॉइंट लोड, ओके, देन द शेयर फोर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट, देन शेयर फोर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट बिटवीन दोज टू पॉइंट. याद रखना आपको, बिटवीन टू दोज टू पॉइंट्स वो कॉन्स्टेंट रहेगा, एग्जैक्टली एट दोज पॉइंट्स वो चेंज होगा. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये जो वैल्यू कॉन्स्टेंट है ये क्या है, ये A से लेकर C के जस्ट पहले तक है, यानी कि A से C के बीच की वैल्यू है. जैसे ही आप C पे आते हैं चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, इफ देर इज नो लोड बिटवीन टू पॉइंट्स कैरिंग पॉइंट लोड एंड शेयर फोर्स विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट बिटवीन दोज पॉइंट. ओके, तो शेयर फोर्स डायग्राम में जब ये आपको कांस्टेंट वाली कंडीशन दिखेगी तो SFD कैसा मिलेगा, SFD विल बी स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या फिर कह सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन मिलेगी उन दो पॉइंट्स के बीच में जिन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, अब इसको जो दूसरा हमारा अप्रोच है सेक्शन वाला उसे समझ लेते हैं कि जब आपका पॉइंट लोड एक्ट करता है किसी भी सेक्शन पे, यहाँ पर एक कोई पॉइंट लोड ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ये है सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे XX, यहाँ पर शेयर फोर्स निकालनी है B. ओके, नाउ इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन वायर डायरेक्शन करूँ सो आई विल गेटिंग V = P, है ना, और जो P है दैट इज अ पॉइंट लोड. ये कैसा है, पॉइंट लोड है. उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. तो आप यहाँ कह सकते हैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप अपने सेक्शन को मूव कर रहे हो थोड़ा पहले ले आओ सेक्शन को या थोड़े दूर चले जाओ आप, तो आप देखोगे जो शेयर फोर्स है दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स. सो यू कैन कंक्लूड दैट शेयर फोर्स इज नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जिस पॉइंट पे अगर सिर्फ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो आपको क्या दिख रहा है कि जब तक कोई दूसरा पॉइंट लोड नहीं आया, अभी तक कोई दूसरा पॉइंट लोड आया क्या यहाँ पर पिक्चर में नहीं आया, तो अगर आपका कोई भी दूसरा पॉइंट लोड एक्ट नहीं कर रहा है तो आपने देखा शेयर फोर्स इज नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेरी नहीं कर रहा है अगर, और अगर मैं शेयर फोर्स वी और एक्स के बीच में डायग्राम बनाऊँ तो कैसा बनना चाहिए, वो बनेगा ऐसा हॉरिजॉन्टल. तो जहाँ पॉइंट लोड लगा होते हैं, तो जहाँ पर जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपके पॉइंट लोड लगे होते हैं बीम में, वहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम कैसा मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द पॉइंट लोड. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द UDL एंड UVL. उसके लिए देखते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम का नेचर किस तरीके का होता है. तो अब देखते हैं UDL के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह से UDL का जो डायग्राम होगा शेयर फोर्स डायग्राम वो हम बनाएंगे, वो सब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, आप लोगों को बस ध्यान रखना है पॉइंट लोड के केस में क्या क्या हुआ था. पॉइंट लोड के केस में जो पूरे प्रोसीजर थे, जो कॉन्सेप्ट थे, वो आपको हमेशा काम आएंगे. ठीक है, बट आपको पॉइंट लोड के केस का एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना है कि जहाँ पर दो पॉइंट लोड दिखे, पहला पॉइंट लोड दूसरा पॉइंट लोड, इन दोनों के बीच में अगर कोई लोड नहीं है तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल बनता है. दैट इज वी इज नॉट
फंक्शन ऑफ एक्स, ये वाला डायग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूडीएल. सो यूडीएल के केस में क्या होगा, तो जैसे कि हमने अभी कैंटिलीवर और सिमिली सपोर्टेड बीम के लिए बना करके डायग्राम्स वैलिडेट कर लिया था कि जो नेचर, जो फिनोमिना हमको कैंटिलीवर में देखने को मिल रहा है, वही आपको सिमिली सपोर्टेड बीम में भी देखने को मिल रहा है. तो अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बीम्स पे नाप ना करके सीधा आपके लिए किसी एक बीम के लिए ड्रॉ करने वाला हूँ और आपको सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना रहेगा दूसरे बीम पे. ठीक है, तो आप लोगों को ये काम करना है कि मैं भी आपको जैसे कि कैंटिलीवर के लिए बताऊंगा, तो आपको सेम सिचुएशन में सिमिली सपोर्टेड बीम में क्या होगा वो आपको बनाना होगा. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले मैं यहां पर एक कैंटिलीवर बीम ले लेता हूं. दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, इस पे यूडीएल एक्ट कर रहा है. ओके, यूडीएल की इंटेंसिटी जो है दैट इज स्मॉल डब्ल्यू. सो स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट रन, ये इसकी वैल्यू हो गई. एल जो है इस कैंटिलीवर की लेंथ है. दिस इज द फ्री एंड ए एंड दिस इज फिक्स एंड बी, ऐसा ले लिया मैंने. ओके, नाउ दिस इज पॉइंट ए. यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा कैलकुलेशन. ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. राइट टू लेफ्ट वाला साइन कन्वेंशन यूज होगा. ये हो गया x इक्वल टू जीरो, ये हो गया x इक्वल टू एल. ओके, नाउ सेक्शन आप काट के देखिए कहीं पर भी. ये है आपका सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस x. ठीक है, यहाँ पर मैंने सेक्शन काटा, तो जो सेगमेंट निकल के आ रहा है उसका मैं बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ. ये बन गया सेक्शन एक्स एक्स, ये डिस्टेंस है एक्स. ठीक है, इस पर यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल को ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने बताया था आपको दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज डिस्टेंस एक्स. ओके, तो यहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वी की वैल्यू कितनी आ रही है. देखिए जितना यहां पर डिस्टेंस है, जितना यहां पर डिस्टेंस है दैट इज एक्स, उसके ऊपर लगा हुआ है यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, जो वर्टिकल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ UDL अप टू द सेक्शन. इस सेक्शन तक के जो UDL है उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, दैट इज इंटेंसिटी इंटू लेंथ W इंटू एक्स. ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ द लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. ये क्या है, ये आपका प्रॉपर, मैंने यहाँ पर इस वाले डायग्राम में प्रॉपरली जो बनता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वो बनाया है. ये होती है जो इसकी हाइट होती है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड, और ये है लेंथ. एरिया इंटू लेंथ हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड. जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट लोड होगा उसके लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का जो एरिया होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड. तो ये मिल गया मुझे मैग्नीट्यूड W इंटू एक्स. ये एक्ट कहाँ से करेगा, ये इसके सेंटर से एक्ट करेगा W इंटू एक्स, ये हो गया. ठीक है, तो ये डिस्टेंस आएगी x बाई टू. ओके, थोड़ा सा यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर कंजेस्टेड हो गई है, बट इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं. यहाँ पर ये सेंटर से एक्ट करेगा, डिस्टेंस होगी x बाई टू. नाउ इतना लोड एक्ट कर रहा है, तो अगर समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वी माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो. तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या मिल गई, डब्ल्यू इंटू एक्स. ठीक है, यहाँ पर और कोई भी लोड यहाँ पर नहीं लग रहा है, सिर्फ यहाँ पर अभी यूडीएल एक्ट कर रहा है. तो एक सिंगल इक्वेशन बना. आपने देखा कि जब यूडीएल एक्ट कर रहा था तो यहाँ पर मुझे जो शेयर फोर्स है वो किसका इक्वेशन मिल रहा है, एक्स का इक्वेशन मिल रहा है. डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, तो यहां पर जो शेयर फोर्स है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है. ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है. अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम क्या होता है, स्लोप होता है, सी दैट इज कॉन्स्टेंट, और ये क्या होती है, सी की वैल्यू जहां पर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होती है उसका कोऑर्डिनेट होता है ये सी. ठीक है, तो सी इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि ये किसका इक्वेशन है, ओरिजिन से पास होने वाले इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसमें जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, डब्ल्यू होगा. ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो अब अगर मैं यहां पर क्या करूं, शेयर फोर्स दैट इज वी वर्सेस एक्स, अगर मैं डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं, एस एफ डी बनाऊं अगर मैं, तो क्या देखने को मिलेगा, तो जो शेयर फोर्स है वो एक्स का फंक्शन होगा. ठीक है, शेयर फोर्स एक्स का फंक्शन होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा, एक मुझे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन यहां पर देखने को मिलेगी. तो दिस इज एक्स, दिस इज माइनस वी, दिस इज प्लस वी. ओके, ये है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये है आपका पॉइंट ए, यहाँ पर मैंने x इक्वल टू जीरो लोकेट किया हुआ है. इस लोकेशन पे क्या है, x इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा,
एट एक्स इक्वल टू जीरो शेयर फोर्स वी हो गया आपका जीरो, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन मूव कराते जाता हूँ, जैसे जैसे सेक्शन मूव होते जाएगा शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। कैसे बढ़ेगी भाई, कैसे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी लीनियरली। क्यों लीनियर बढ़ रही है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है शेयर फोर्स का जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है, दैट्स वाई जो शेयर फोर्स होगा वो कैसा हो, कैसे बढ़ेगा, लीनियर। तो लीनियरली इंक्रीज होगा आपका शेयर फोर्स, क्योंकि ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और अच्छे से बोले तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है शेयर फोर्स डायग्राम फॉर अ UDL। तो हमेशा याद रखना है कि जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बना किसके लिए, एक आपके UDL के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मिला इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और ये कैसा है देखिए, राइट टू लेफ्ट कैसा एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइड में जाएगा ये, ठीक। और आखिरी में यानी कि x इक्वल टू एल, यहाँ पर पॉइंट बी पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कैसी है, दिस इज पॉइंट ए, देन पॉइंट बी पे जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, वो है आपकी v इक्वल टू w इंटू एल। तो यहाँ पर w इंटू एल ये जो वैल्यू मिल रही है, दिस इज w इंटू एल, ओके। नाउ जहाँ पर शेयर फोर्स जहाँ पर आपका UDL स्टार्ट हुआ और जहाँ पर एंड हुआ, वहाँ पर हम लोगों ने जस्ट बिफोर और एट वाला कॉन्सेप्ट, जैसा कि पॉइंट लोड में होता था वैसा हमने नहीं किया। क्यों, क्योंकि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, इसका नाम ही क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो जो चेंजेस आएंगे शेयर फोर्स में वो ग्रेजुअल होंगे, ठीक है, धीरे धीरे, जैसे जैसे सेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। डिपेंड करेगा कि ट्रेंड कैसा है, जैसे कि यहाँ पर UDL के केस में हमको लीनियरली मिला, ठीक है, आगे देखेंगे कि तो कुछ दूसरा हमको मिल सकता है, देखेंगे कि वहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया कि जो UDL होता है उस केस में जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसमें शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी लीनियरली चेंज होती है फॉर ए UDL। दैट्स वाई हमको एट अ पॉइंट एंड बिफोर दैट पॉइंट हम लोग को ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर पूरा का पूरा लोड एक पॉइंट पे होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, उस लोड के जस्ट पहले पिक्चर कुछ अलग हो गई और एट दैट लोड पिक्चर कुछ अलग होगी, सिचुएशन कुछ अलग होगी। दैट्स वाई पॉइंट लोड के केस में एट एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट यूज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। तो सिमिलरली आप लोग प्लॉट कर सकते हो इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अभी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देख लेते हैं, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कैसा बनता है, ओके, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम यहां पर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर देता हूं, एक ये है इसका सपोर्ट, हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, यहां पर इसके पूरे लेंथ में, पूरे लेंथ में, और जरूरी नहीं है कि पूरे लेंथ में लगा हो, जिस लेंथ तक लगा होगा वहां तक के ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, जो यहां से बुलेट पॉइंट सीख लेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको बस आखिरी तक ये वीडियो देखना है, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स इक्वल टू एल, यानी कि मैं अब फिर से लेफ्ट से राइट जाने वाला हूँ, और लेफ्ट टू राइट का साइन कन्वेंशन होता है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। डब्ल्यू जो है वो इंटेंसिटी ऑफ UDL है, डब्ल्यू पर यूनिट रन, ओके, एल जो है दैट इज दी लेंथ। नाउ रिएक्शंस कैलकुलेट करने, तो इसके रिएक्शंस निकाल लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। तो इसका रिएक्शन, दो रिएक्शंस आएंगे, इन सपोर्ट है तो आर ए वाई एंड आर ए एक्स, यहाँ पर इसको हटाऊंगा तो बन जाएगा आपको आर बी, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए। अब क्या हुआ, अगेन ये हिंज सपोर्ट है, दो रिएक्शन आए मेरे पास, और यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड नहीं है, तो जब आप समेशन ऑफ एफ एक्स करोगे इक्वल टू जीरो करोगे तो आर ए एक्स क्या हो जाएगा, आर ए एक्स हो जाएगा जीरो, ठीक है, एंड आर ए जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर आर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर ए वाई स्क्वायर, ये होता है। तो आर ए की वैल्यू डेफिनेटली आर ए वाई के बराबर हो जाएगी। नाउ आगे सॉल्व करता हूँ, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो मुझे मिलेगा आर ए प्लस आर बी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कर रहा हूँ तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना है, डब्ल्यू इंटू एल। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। नाउ आगे सॉल्व करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो मिल जाएगा आर बी इंटू एल। आर बी क्या कर रहा है, आर बी एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट दे रहा है, ठीक है, तो ये जाएगा माइनस आर बी इंटू एल। फिर ये जो
UDL है, UDL पूरा कहाँ पर एक्ट करेगा, एक्ट करेगा UDL के सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L by 2। तो ये जो मैग्नीट्यूड है W into L, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास आउट होगा, सेंट्रॉइड से पास आउट होगा, जो कि कहाँ पर है, A से L by 2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये कैसा रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉक वाइज, तो जाएगा W into L into L by 2 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से RB आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, एंड सिमिलरली RA आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब लोड आपका सिमेट्रिकली एक्ट कर रहा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका एक सिमिली सपोर्टेड बीम है और इसमें जो लोड लग रहा है पूरे बीम में, यानी कि अगर मैं बीम का सेंटर लूँ, ये बीम का सेंटर एल बाई टू, तो जितना लोड इस तरफ है उतना ही लोड इस तरफ है, तो सिमेट्रिकली लोडेड है, ठीक है। इस प्लेन में आप देख सकते हैं जो लोड है वो सिमेट्रिकल है सेंट्रॉइड के अबाउट, ठीक है। जो लेंथ है बीम की उसके अबाउट आप देखोगे तो दोनों तरफ बराबर लोड लगे हुए हैं। ऐसे कंडीशन में जो रिएक्शन होंगे दोनों सपोर्ट पे वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। जितना टोटल लोड एक्ट कर रहा होगा वो लोड बराबर बराबर दोनों में बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, टोटल लोड कितना था, W इंटू एल, W इंटू एल आपका टोटल लोड था यहाँ पर, और वो दोनों में अगर डिवाइड होगा बराबर तो क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू। तो आंसर आप देख सकते हैं डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू ही आया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि यू डी एल तो दिख रहा था, है ना, यू डी एल तो दिख रहा था, यहाँ पर साथ ही साथ आपको अब एक पॉइंट लोड भी दिखने लग गया है ना। जो रिएक्शन है एट ए वो पॉइंट लोड है, रिएक्शन एट बी वो भी एक पॉइंट लोड है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लोड में हमने सीखा है और उसके बाद हमने जो यू डी एल में सीखा है उसको आपको यहाँ आप कंबाइंड करना है। अब कंबाइंड करेंगे आप तब आपका शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट होगा। सिमिलरली देखिए कैंटिलीवर वैसे जनरली हमको यूज़ नहीं करना पड़ता है ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन करना चाहिए, मोस्टली कॉलेजेस में यहाँ पर कराते नहीं है, कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि जब आप इस कैंटिलीवर बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका भी जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा आर बी वर्टिकल डायरेक्शन में और यहाँ मोमेंट आएगा एम आर, ठीक है, रिएक्शन मोमेंट। नाउ आरबी भी क्या है भाई, आरबी भी तो क्या है, एक अपने आप में पॉइंट लोड है, रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए भी यहाँ पर जब आप शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एट एंड बिफोर वाला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास V इक्वल टू W इंटू एल आया है ये कहाँ पर आया था, सॉरी ये आया है आपका जस्ट बिफोर B, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं एट B आऊँगा तो RB की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आप सॉल्व कीजिए तो रिएक्शन मिलेगा RB इक्वल टू W इंटू एल, ओके RB W इंटू एल मिला। राइट टू लेफ्ट हम आ रहे हैं तो क्या है, W इंटू एल अपवर्ड है तो राइट टू लेफ्ट अपवर्ड निगेटिव होता है। जस्ट बिफोर B जो आप निकालोगे, जस्ट बिफोर B जब आप शेयर फोर्स निकालोगे तो आपको कितना दिखा, आपको दिखा शेयर फोर्स W इंटू एल, पॉजिटिव दिखा क्योंकि डाउनवर्ड है W इंटू एल यहाँ तक का। जैसे ही आप एट बी आओगे, एट बी जो शेयर फोर्स निकालोगे तो आएगा W इंटू एल और माइनस W इंटू एल, तो ये वापस क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो से ही स्टार्ट होता है हमेशा शेयर फोर्स डायग्राम, याद करना, और ये हमेशा एक पूरा लूप कंप्लीट करके वापस जीरो पे जाकर के एंड होगा ही, ठीक है, ये आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग को हमारा शेयर फोर्स डायग्राम मिल जाएगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम बना के देखते हैं इसका, ठीक है। सो ये हो गया प्लस वी, हो गया माइनस वी, दिस इज एक्स डायरेक्शन। नाउ एट ए, क्या एट ए डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, नहीं, ए पे पॉइंट लोड रेगुलर रिएक्शन लग रहा है। तो यहाँ पर एट ए कितना है, जस्ट बिफोर एट ए हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सॉल्व करेंगे शेयर फोर्स बिफोर ए, जस्ट बिफोर ए या बिफोर ए, कितना है शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ए, जीरो है, ठीक है, जीरो शेयर फोर्स है। एट ए कितना है, एट ए लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो शेयर फोर्स एट ए कितना है, आर ए है, दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू, और ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन कहाँ पर करेंगे, तो हमेशा याद रखना शेयर फोर्स डायग्राम में हम लोगों को कैलकुलेशन कहाँ कहाँ करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई यहाँ पर तो इतना लंबा यू डी एल लगा हुआ है एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल तक के, तो क्या हर पॉइंट पे करते रहना, इन्फाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स है वहाँ पर, तो हमको कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि जहाँ जहाँ आपको
क्वेश्चन में पॉइंट मार्क करके दिए हुए हों, साथ ही साथ अगर पॉइंट मार्क करके नहीं दिए हुए हो तो जहां जहां पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो उन उन पॉइंट्स पर आपको शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करनी होती है, वहां वहां आपको शेयर फोर्स जो है वो रिप्रेजेंट करने होते हैं शेयर फोर्स डायग्राम में। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से सीखा है तो आप समझ पाओगे कि हर जगह ये एप्लीकेबल होगा, कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक सिंगल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कभी आपकी लाइफ में गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट बिफोर बी मैं निकालूंगा एंड एड भी निकालूंगा, मतलब नेक्स्ट जो कलेक्शन होगा पॉइंट बी के बारे में बात करेगा। तो शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी, शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी, शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी, देखो कितना है भाई, शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी ऊपर की तरफ लग रहा है आर ए वाई, या फिर आर ए कह सकते हैं, तो आर ए अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड कितना लग रहा है बी के पहले, कितना फोर्स है, दो फोर्स है भाई, एक तो आर ए है दूसरा डब्ल्यू इंटू एल है, तो आर ए डब्ल्यू इंटू एल डाउनवर्ड है तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड निगेटिव, तो माइनस डब्ल्यू इंटू एल, ये हो जाएगा आर ए दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल, तो कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ये हो गया। नाउ शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी, बी के पहले तक शेयर फोर्स कितना था माइनस डब्ल्यू एल बाई टू था, एट बी क्या हो गएगा, एट बी आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी की वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू, कैसा है अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव, सो प्लस आर बी की वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू दैट इज जीरो, हो गया कंप्लीट आपका शेयर फोर्स डायग्राम, कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया जस्ट बिफोर ए जीरो, एट ए, एट ए कितना हो रहा है, एट ए हो रहा है आपका डब्ल्यू L by 2, okay, at A W L by 2, then just before B आपका हो रहा है W L by 2, या फिर minus W L by 2, तो मैंने इसको negative side में represent कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर at B जैसे ही लिखा मैंने, ये हो गया 0, ये, ठीक है। अब ये वाला point और ये वाले point के बीच curve कैसा आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि जब आपके दो पॉइंट्स के बीच में क्या लगा हो, जब दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल लगा हो तो उन दो पॉइंट्स के बीच में शेयर फोर्स डायग्राम जो ड्रॉ होगा वो क्या होगा, वो होगा एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे इतना जो डायग्राम है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, लेट अस से दिस इज सी, सी के पहले तक शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव है और इसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम नेगेटिव है, तो इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम में वैल्यू जो है शेयर फोर्स की वो जीरो मिल रही है, और मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, तो पॉइंट सी पे, एट पॉइंट सी बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बाकी इसकी कैलकुलेशंस एक्सेट्रा आप इजीली कर सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग ट्रायंगल लोड का प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ता हूँ इस वीडियो लेक्चर के एंड में कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ट्रायंगुलर लोड यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के बारे में जो आप लोगों को शेयर फोर्स की डिस्कशन है वो करनी है, आपको डायग्राम बना करके देखना है, आपको बताना है कि शेयर फोर्स डायग्राम का नेचर क्या होगा फॉर अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यानी कि ट्रायंगुलर लोड। एक यहां पर मैं आपको एक्साइनमेंट दे रहा हूं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपका ये है कि एक कैंटिलीवर बीम है, इसमें एक ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, ठीक है, ये है इसकी लेंथ एल, यहां पर जो इंटेंसिटी है डब्ल्यू दैट इज जीरो, यहां पर जो इंटेंसिटी है डेट इज डब्ल्यू नॉट, ओके, आपको बताना है शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा। ठीक, सिमिलरली आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरह से एक ट्रायंगुलर लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, लोड्स के बारे में हम लोग प्रीवियसली डिस्कशन कर चुके हैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में, इसकी लेंथ एल है, अगेन यहां पर जो इंटेंसिटी है दैट इज जीरो और यहां पर जो इंटेंसिटी है दैट इज डब्ल्यू नॉट पर यूनिट रन, पर यूनिट रन, दिस इज ऑल्सो पर यूनिट रन, ओके, डब्ल्यू नॉट पर यूनिट रन। तो आपको यहां पर अभी मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि क्या आप लोगों से
इसका डायग्राम बना या नहीं बना, ठीक है। और यहाँ पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम सॉम पढ़ रहे होते हैं, इवन कई एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो सॉम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली या तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर डायग्राम बनाने में गलती करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा इनका सही सॉल्यूशन कि किस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम इनका बनता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, का आपको कैसे सोचना चाहिए था शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ जो हमने अभी तीन केसेस देखे हैं पॉइंट लोड के एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के, उसके लिए बेंडिंग वन डायग्राम कैसे प्लॉट किया जाता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यूज होती हैं डिफरेंट केसेस, वो भी हम वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ ही जो मॉड्यूल है हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, इसका थ्योरी पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा, एक से दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये मॉड्यूल आपका एंड हो जाएगा। ओके, सो मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।